ग्वालियर में लोकायुक्त की टीम ने नगर निगम के दो अधिकारियों को रिटायर्ड डीएसपी से रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। दोनों मकान नामांतरण के दस्तावेज के एवज में 3,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। जानकारी के अनुसार लूटपाट क्षेत्रीय कार्यालय क्रमांक 3 में पदस्थ एक संग्राहक गोपाल सक्सेना और एक कर सहायक रोहित कुमार के द्वारा रिटायर्ड डीएसपी भगवत दासपत से मकान नामांतरण के एवज में 3,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। जो कर संग्रह हैं टीसी श्री सक्सेना जी और उनके सहायक हैं रोहित कुमार, उनसे बातचीत किया कि मेरा नामांतरण करा दीजिए, तो उनके द्वारा मतलब पैसे डिमांड की गई। इसके बाद आवेदक स्वयं वरिष्ठ कार्यालय जो नगर निगम का कार्यालय वहां पर गए, उन्होंने अधिकारियों से निवेदन किया, अधिकारियों ने उनका नामांतरण उसी समय कर दिया था और उनको बता दिया था कि यहाँ पर रिकॉर्ड में इंदिरा करने के बाद आपको दे दिया जाएगा। फाइल यहाँ पर आ गई थी, लेकिन यहाँ के जो कर संग्रह हैं गोपाल सक्सेना जी और उनके सहायतार्थ जो काम करते हैं श्री रोहित कुमार, उनके द्वारा उस आदेश की प्रति और रसीद की प्रति देने के लिए उनसे 3,000 रुपये की डिमांड की गई, जिसकी शिकायत हुई थी उसके हमने विधिवत कार्रवाई की गई। विधिवत कार्रवाई का 1,000 रुपये उनके द्वारा कल ले लिए गए थे, शेष 2,000 रुपये आय लेते हुए रंगे हाथों पकड़े गए हैं।